एसटीएफ उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस संबंध में एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री अमित कुमार नागर अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक दिलीप कुमार तिवारी के नेतृत्व में 19 विनोद सिंह, मुढ़ाड़ अशोक गुप्ता, राजेश मौर्य, रुद्र उपाध्याय, रवि वर्मा, विजय वर्मा की एक टीम जनपद प्रयागराज में मौजूद थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि माह अगस्त 2023 में जनपद प्रयागराज के थाना क्षेत्र थरवई में हुए बलात्कार एवं डकैती की घटना के संबंध में पंजीकृत मुढ़ाड़ सन 234/2023 धारा 396/327/323/506/3 भादवी व 56 पैक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त केदार पुत्र कृपाल मलकामय भैसाही थाना थरवई जनपद प्रयागराज के पास मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम उक्त स्थान पर पहुंचकर वांछित अभियुक्त केदार को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई। गिरफ्तार अभियुक्त केदार ने पूछताछ में बताया कि वह अपने परिवार व साथियों के साथ अलग अलग जनपदों में स्टेशनों के किनारे अथवा सुनसान स्थानों पर डेरा लगाकर रहता है और उन क्षेत्रों में लूट, डकैती, चोरी आदि की घटना करता है। थरवई स्टेशन जनपद प्रयागराज के पास डेरा लगाकर अपने परिवार के साथ रहा। जहो इसकी मौ लीलावती भाभी शांति देवी व अन्य महिला बेलावती, वेदवती, गंगा देवी उर्फ झिलमिला बच्चों के साथ खिलौने, चाइनीज पंप, चाइनीज टार्च आदि घरेलू सामान लेकर नगर, कस्बा, गौव आदि स्थानों पर इन सामानों को बेचने के बहाने घरों की रैकी करते थे। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर रैकी किए हुए घरों में डकैती करते हैं। घटना को अंजाम देने के बाद यह लोग उस स्थान से दूसरी स्थान पर चले जाते हैं। साथ ही यह भी बताया कि वह पिछले 15 वर्षों से इस तरह की घटना कर रहा है।